5 घंटे की आराधना थी जो कि मैंने 30 मिनट में कंपोज की है। और इसमें चंडी पाठ है, चंडी के मंत्र हैं और सरस्वती माँ का जो आराधना है पाठ है उसको मैंने सारे निचोड़ मंत्रों को जितने भी मेनली जो अच्छे अच्छे मंत्र हैं मैंने उनको कंपोज किया है और दुर्गा चालीसा के साथ मैंने इसको गाया है। तो मैं जनता के लिए मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में बनाया है, लेकिन एक शुरुआत जैसे पूजा की होनी चाहिए एक उसका जो खत्म करने का तरीका होता है देवमयी के साथ मैंने इसको खत्म किया है, समाप्त किया है। तो ये एक संपूर्ण आराधना है जिसमें सारे देव देवताओं की आराधना की गई है, मंत्रों द्वारा उनको प्रसन्न किया गया है और बहुत भाव प्रेम से उनको मनाया गया है। तो अपने घर में सुकून शांति और समृद्धि के लिए आप रोज इसको अपने घर पे सुन सकते हैं। और मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि आप इस आराधना को जरूर सुने और मुझे भरपूर प्यार दें, आशीर्वाद दें ताकि मैं आगे भी और अच्छा अच्छा माँ गर्भलक्ष्मी जी के व्रत कथाएँ और सुंदरकांड चालीसा ये सब कंपोज करके आपके सामने लाऊं और अच्छे संगीत के साथ लाऊं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट अच्छे म्यूजिक के साथ उसको मैं आपके सामने पेश करूँ। तो मेरे आप सभी से अनुरोध है कि आप मुझे भरपूर इसमें प्यार आशीर्वाद दें और इसको अपने सुबह या शाम जरूर सुने और बड़ों से जो हमारे वृद्ध होते हैं या बड़े हैं उनको जरूर सुनाएं और बच्चों को भी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस आराधना को जरूर सुने और मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इसमें हिंदी चालीसा हिंदी में है और संस्कृत के सारे जितने मंत्र हैं सब संस्कृत में हैं। सिद्धिकुंज का स्तोत्र है, देवीमयी है और मतलब काली जी के मंत्र हैं, चंडी जी के मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के हैं और मतलब सारे देवी देवता की इसमें आराधना की गई। सारे संस्कृत में मंत्र हैं, श्लोक हैं और चालीसा हिंदी में है। तो हिंदी और संस्कृत का कंपोजिशन है। तो देखा जाए तो कहीं आपने शूटिंग जो ये की है, ये जो इसका पूरी आराधना जो गाई है वो क्या मतलब कहीं मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ही है या मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पे की गई है? ये हिमाचल में की गई है और ये ज्वाला देवी के आसपास अधिकतर शूटिंग की गई है। तो हमने इसमें हिमाचल जहाँ पे नव देवी माँ नव दुर्गा माँ का वास है, हमारे देवी माँ नव दुर्गा माँ विराजमान है हिमाचल में, तो इसकी आराधना की शूटिंग अधिकतर वहीं से की गई।